देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भाटी। मध्य प्रदेश के धार में कांस्टेबल की भर्ती पर उम्मीदवारों के सीने पर SC ST लिखने के बाद मचा बवाल। अभी थमा भी नहीं है कि भिंड में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल टेस्ट के दौरान भारी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि यहां मेडिकल चेकअप टीम ने एक ही कमरे में युवक और युवतियों का मेडिकल चेकअप किया। अस्पताल में युवतियों के सामने ही युवकों की अर्धनग्न अवस्था में मेडिकल जांच की गई। वहीं युवतियों के मेडिकल टेस्ट के लिए भी कोई भी महिला डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थी, तो एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही कांस्टेबलों की भर्ती में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस कमरे की तस्वीर है जहां मेडिकल टेस्ट हो रहा था, कांस्टेबल की भर्ती थी। और आरोप ये है कि युवती और युवक जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आए थे, उनकी एक ही कमरे में उनका मेडिकल जांच की गई। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि महिलाओं के टेस्ट के लिए ना तो कोई महिला डॉक्टर वहां मौजूद थी और ना ही नर्स। महिलाओं के सामने ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि युवक जो है वो अर्ध नग्न अवस्था में जो है वहां खड़े हुए हैं और महिलाओं के सामने ही ये मेडिकल टेस्ट किया गया। पहले जो लापरवाही सामने आई थी कि जो अभ्यर्थी थे उनके सीने पर उनका वर्ग जो है वो दर्ज किया गया था, और इसके बाद अब भिंड में एक और बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी खबर आ रही है। शोपियां में PDP विधायक के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमला किसने किया इसकी अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों के पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो शोपियां में एक बड़ी खबर, PDP MLA के घर पर आतंकवादी हमला हुआ है, पेट्रोल बम से हमला किया गया है। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब तक सुरक्षा बलों को निशाने पर रखने वाले पत्थरबाजों ने पहली बार छात्रों को निशाना बनाया है। आज शोपियां के एक स्कूल बस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। पत्थर लगने से बस के शीशे टूट गए, जिससे दो छात्र घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ वो बस, स्कूल बस जिस पर हमला किया गया, और एक तरफ वो तस्वीरें जब छात्र जो इसमें घायल हुए उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। तो जम्मू कश्मीर में अक्सर देखा गया था कि पत्थरबाजों के निशाने पर सुरक्षा बल होते थे, लेकिन इस बार कायरता दिखाते हुए स्कूल बस पर हमला किया गया है, जिससे जो है उसके शीशे टूट गए और छात्र घायल हो गए। दरअसल ये जो बस है एक प्राइवेट स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें दो छात्र घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। 9:25 पर ये अगल बगल के गांव के बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी, तब यहां कुछ स्टोन पेल्टर्स, कुछ मिस्क्रिएंट्स उन्होंने इसको घेरा है और इस पर स्टोन पेल्टिंग की है। इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने खोल रखे थे, सारे स्टोन्स अंदर गए, बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे हैं, जिसमें एक बच्चे को ज्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई है, उसको हेड इंजरी हुई है। तो प्रिलिमिनरी इलाज के बाद श्रीनगर के जो सौरा इंस्टीट्यूट है वहां उसको ले जाया गया, उसका CT स्कैन अभी चल रहा है। इमीडिएटली हमने कॉग्निजेंस लिया है, जैसे आपने देखा है बस हमने यहां बुला ली है और बच्चे को इवैक्यूएट कर दिया गया है। एरिया को सैनिटाइज करके स्टोन पेल्टर्स के पीछे टीम्स लगा दी गई हैं, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी बामल लाई जाएगी। अब रुख करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश के कसौली में मंगलवार को दिन दहाड़े महिला अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला अधिकारी का नाम शैलबाला है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही टीम लेकर अतिक्रमण हटाने गई थी। शैलबाला की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक होटल के मालिक ने एक महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी।
ये सनसनीखेज वारदात सोलन जिले के कसौली की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर शैल बाला शर्मा अपनी टीम के साथ एक होटल से अवैध निर्माण हटाने गई थी, जहां होटल मालिक के साथ कहासुनी होने पर होटल मालिक ने शैल बाला पर फायरिंग कर दी। शैल बाला की मौके पर ही मौत हो गई। शैल बाला की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने वाली टीम को पर्याप्त सुरक्षा न देने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस जो लेडी जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से आई थी, उस लेडी को वहीं पे दो गोलियां मारी और वो लेडी वहीं पे शी वाज डेड देयर। और एक और ऑफिसर को वहां पे गोली मारी, वो ऑफिसर अब पीजीआई चंडीगढ़ में है। उसकी हालत जो हमें बताई गई है नाजुक है। और यहां पे देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट दिख ये रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो चूक हुई है वो ये हुई है कि उस होटलियर के खिलाफ पहले भी अरेस्ट वारंट्स इशू हुए थे, बट उसको अरेस्ट नहीं किया गया और उसी होटलियर ने इस लेडी को गोली मारी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को कसौली में मौजूद होटलों में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्तों के भीतर हटाने का फरमान सुनाया था। मंगलवार को शैल बाला अपनी टीम के साथ कसौली में अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी। कसौली में नारायणी होटल के बाहर बड़ा अवैध निर्माण किया गया था। शैल बाला और उनकी टीम की वहाँ होटल के स्टाफ और मालिक से कहासुनी होने लगी। इसी दौरान होटल का मालिक विजय ठाकुर अपना आपा खो बैठा और उसने शैल बाला पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक अन्य अफसर को भी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं भारी पुलिस बल होने के बावजूद भी आरोपी मौके से फरार हो गया। टीम नंबर एक में वहां पे जब अपना कार्य कर रही थी तो वहां पर एक होटल के गेस्ट हाउस के जो मालिक हैं तो उनसे बातचीत करते करते उसने जो है वो गोली चला दी और 3 गोलियां चलाने का ये आरोप जो है लगाया गया है, और जिसके तहत उसकी गोली से शैल बालाजी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी होटल मालिक विजय ठाकुर के बारे में सूचना देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पत्रकार जेडे मर्डर केस में 7 साल बाद मक्कोगा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी करार दिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को इस केस में बरी कर दिया गया है। 11 जून 2011 को हुए पत्रकार जेडे की हत्या कर दी गई थी। साल 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस केस में सुनवाई तेज की गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मक्कोगा कोर्ट में पेश होता रहा। यह पहला मामला है जिसमें छोटा राजन को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट आज ही छोटा राजन को सजा सुनाएगा। बारह में से 10 आरोपी दोषी पाए गए हैं और उनमें एक दीपक सिसोदिया छोड़ के बाकी सब मर्डर के तहत भी दोषी पाए गए हैं और टोटली जो 10 कन्विक्ट हो गए सभी मोका के तहत भी दोषी पाए गए हैं और कोर्ट ने सबको 302 बाद में जो मोका के है 311 32 34 इनके तहत सबको सजा दी है। दीपक सिसोदिया को सिर्फ कॉन्स्पिरसी 120B में, बाकी सब कॉन्स्पिरसी में है। और जो 10 और 11 नंबर थे जिग्ना वोरा और पॉल्सन पलित्रा उनको कोर्ट ने छोड़ दिया है। बाकी सभी को उनमें जो एक्यूज नंबर 1 है सतीश तंगप्पन जोसेफ एलिया सतीश कालिया उनको आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया है। पनिशमेंट को लेकर छोटा राजन को लेकर क्या क्या चीजें आप लोग के पक्ष में गई कि उसे सजा दोषी ठहराया गया? देखिए अभी तक जजमेंट की कॉपी मिली नहीं है, तब तक क्या क्या कौन सी बातें प्रोसिक्यूशन के साइड में गई और कौन सी उनके खिलाफ गई अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन सभी जो आरोपी है एक छोड़ के सभी दोषी मुक्का और इसमें दोषी पाए गए। चलिए आपको बता दें मामला है क्या। पत्रकार जेडे की मुंबई में हत्या हुई थी। 11 जून 2011 को जेडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
छोटा राजन के कहने पर शूटरों ने मारी थी गोली। हत्या के वक्त जेड़े मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। मामले में 11 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और मुकदमे के दौरान 155 लोगों की पेशी हुई थी। छोटा राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। जेड़े मुंबई अंडरवर्ल्ड पर किताब लिख रहे थे। बिहार के कटिहार में एसपी पर सरेआम फायरिंग कर जमकर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। दरअसल कटिहार के एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन और डीएम मिथिलेश मिश्र का तबादला कर दिया गया। इसके बाद उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने गोल्फ मैदान में विदाई समारोह आयोजित किया था। इस फेयरवेल पार्टी के दौरान एसपी साहब मस्ती में इतने लीन हो गए कि इन्होंने धाएं धाएं करीब 10 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान डीएम साहब भी पूरी मस्ती में नजर आते रहे और एक तरफ डीएम मिथिलेश मिश्र शोले फिल्म का गाना ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे तो दूसरी तरफ गाते रहे और दूसरी तरफ एसपी साहब पिस्तौल से फायरिंग कर उनका साथ देते रहे। एसपी साहब ने पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान जो गोलियां चलाई किसी को लगी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जिले का एसपी इस तरह से कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाएगा तो आम आदमी से कानून के पालन की अपेक्षा करना ही बेमानी होगा। इधर यूपी सरकार में राज्यमंत्री सुरेश राणा को का अलीगढ़ में दलित के घर रात बिताने का एक कार्यक्रम पार्टी के लिए बड़ी किरकिरी बन गई है। इस दौरान मंत्री के न सिर्फ बाहर से लिए खाना मंगाया गया बल्कि बाकी सारे इंतजाम भी बाहर से किए गए थे। हद तो ये हो गई कि दलित परिवार को मंत्री के आने के बारे में कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। मंत्री जी दलित के घर आए, एहसान किया, रात के 11 बजे गांव धन्य हो गया। मंत्री जी का स्वागत पालक पनीर, दाल मखनी, छोले, रायता, तंदूर, कॉफी और रसगुल्ले से हुआ। पीने के लिए मिनरल वाटर का भी इंतजाम किया गया। आप सोच सकते हैं कि एक दलित के घर इतना भव्य इंतजाम कैसे, तो इस सवाल की हकीकत भी समझ लीजिए। मुझे नहीं पता था कौन आया, मैं तो सोया हुआ था। रात को 11 बजे थे, जैसे ही मैंने देखा तो विधायक हैं और सांसद भी हैं और मंत्री जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरा प्रशासन था। सुरेश राणा अचानक आए और घर में घुस गए सारे लोग। और फिर क्या हुआ कि खाना घर में ही खाया, प्लेट बाहर थे और खाना बाहर बना था, पीछे हलवाई ने बनाया था जो है। फिर खाना खा के वो चले गए यहाँ से। तो मंत्री जी बगैर सूचना के आए, खाना बाहर बना, बर्तन भी बाहर से ही मंगाए गए। दलित के घर बैठकर खाना खाया जरूर गया, लेकिन इसके बाद मंत्री जी और उनके अमले का रात्रि विश्राम भी बाहर ही हुआ। उस गांव के प्रधान भी दलित हैं, वहां के विधायक भी दलित हैं अनूप वाल्मीकि जी, वही कार्यक्रम के आयोजक थे। और सवा 11 बजे रात को कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब मैं गया तो जो गांव के लोगों के द्वारा भोजन बनाया गया, गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जो भोजन तैयार कराया गया, वही हमने दलित परिवार में बैठ करके सब लोगों ने मिलकर के शेयर करके खाया। राज्य मंत्री सुरेश राणा के सोने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रशासन ने होटल नुमा आकार का और अंदाज दे दिया, जबकि ग्रामीण अपनी शिकायतें बताने के लिए इंतजार ही करते रह गए।
केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता का भरोसा जीतने के लिए गांव-गांव जाकर अपने मंत्री, सांसद और विधायकों को रात बिताने का आदेश दिया है, लेकिन वीआईपी कल्चर की मिसाल पेश करते राज्य मंत्री अपनी ही किरकिरी करा बैठे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अगली खबर भी यूपी से ही है। यूपी में एक लड़की को कुछ बदमाशों ने छत से सिर्फ इसलिए फेंक दिया क्योंकि छेड़छाड़ का उसने विरोध किया था। यह घटना शाहजहांपुर की है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त लड़की के परिवार वाले शादी समारोह में गए हुए थे। अचानक एक लड़का घर में घुस आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। यूपी में छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब शाहजहांपुर में भी दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। एक लड़की को कुछ बदमाशों ने छत से सिर्फ इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त लड़की के परिवार वाले शादी समारोह में गए थे और अचानक एक लड़का घर में घुस आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। जब लड़की चिल्लाने लगी तो आरोपी उसे छत से नीचे फेंक कर भाग गया। थाना रोजा अंतर्गत लखना गाँव में एक छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है और उस पर जो पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। छत से नीचे फेंके जाने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में लड़की को जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी पहले भी कई बार लड़की से रेप का प्रयास कर चुका है। घर आई थी लड़का घर में घुसिया जीना पर भाज गए इसने कही दिक्कत काले ना यहाँ का है तो इसने वो मेरी टीन परी सही को पकड़ो छेड़ो लिंटर पर टीन परी से पकड़े छोड़ो कपड़ा को फट जा रहे हैं चिल्लाने भी कहीं सुनी कहीं नहीं नीचे डालते हुए अरे मैं लड़का मंजिलो वालों आए गई ने पकड़ लो वाला लड़का उसका मारो लड़का ही मैं लल्ला ने मान न मगर जब देखो जय चिल्लाने तभी ने जले उठाओ ना तले वो भागो घर। पिछले कई दिनों से यूपी में दुष्कर्म के कई मामले सामने आए हैं, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की सारी कोशिशें नाकाम ही साबित हो रही हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। यूपी के एटा में एक चैन स्नेचर का भीड़ ने मौके पर ही इंसाफ कर दिया। आरोप है कि बाइक पर सवार दो लोग एक महिला की चैन छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक को भीड़ ने दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोग फिर भी उसे पीटते रहे। इधर साउथ दिल्ली के तिगड़ी इलाके में दिन दहाड़े एक बदमाश ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उसने दुकानदार के मुंह पर मिर्ची वाला स्प्रे डालकर ज्वेलरी लूटने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने साहस दिखाते हुए, बहादुरी दिखाते हुए लुटेरे को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। दरअसल एक शख्स ज्वेलरी खरीदने के बहाने से दुकान में दाखिल हुआ था, लेकिन कुछ देर तक गहने देखने के बाद वो मिर्ची का स्प्रे दुकानदार और उसके हेल्पर के ऊपर फेंक देता है। दुकानदार और उसके हेल्पर से काफी देर तक हाथापाई होने के बाद वो उसे दबोच लेते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार की बहादुरी की वजह से उसने उसको दबोच लिया।